जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जिस मनुष्य ने पिछले जन्म में देवताओं का अपमान किया हो, उस मनुष्य को 40 वर्ष तक की उम्र तक मनुष्य सुखी रहता है। उसके बाद उसके जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। उसे सागर नाम का योग कहते हैं जो जन्म पत्रिका में दिखता है। एक बार और सुन लीजिए कि जिस मनुष्य ने पिछले जन्म में देवताओं का अपमान किया हो, तो उसे ईश्वर की तरफ से 40 वर्ष तक की उम्र तक तो वह अच्छे से जीता है। उसके बाद उसका कष्ट भरा जीवन चालू हो जाता है, जो अंत में भयंकर दुखदायी होता है, भयंकर दुख को प्राप्त होकर के मरता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी पाप कर्म मत करो, परंतु व्यक्ति समझता नहीं है। और जो मनुष्य पिछले जन्म में जिसने वेद की निंदा की हो, उसका पिनाक योग होता है। पिनाक योग, उसे पिनाक योग में पैदा करते हैं, यानी कि चारों केंद्र शून्य हो, 9वें 5वें 8वें में सब पाप ग्रह बैठे हो, 9, 5 और 8वें में पाप ग्रह बैठे हो तो पिनाक योग होता है। और चारों केंद्र जो है वह शून्य होते, मतलब वहां कोई भी नहीं बैठता है, तो म्लेच्छ बुद्धि का होता है। और वेदों की निंदा करने वाला होता है, बुद्धि सही नहीं होती है, तो ऐसे के लिए प्रायश्चित कर्म बताया गया है कि क्या प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, कौन सी पूजा करना चाहिए, ताकि पिनाक योग से वो बच सके, अन्यथा कोई नहीं रोक सकता उसको। किसी किसी की पत्रिका में विपत्ति योग होता है। विपत्ति योग इसलिए आ जाता है उसके लगन में कि मनुष्य जब पिछले जन्म में उसने बालक की हत्या की हो सकता है गर्भ में बालक को मारा हो, तो ऐसे मनुष्य की पत्रिका में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विपत्ति योग आ जाता है। और इसकी वजह से उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। अब विपत्ति योग का मतलब यह, जो हमने बताया कि पिछले जन्म में बालक की हत्या हो गई हो या कर दी हो, तो ये योग आ जाता है। तो 11वें में राहु बैठा हो, 5वें में शनि बैठा हो केतु के साथ में, 10वें में मंगल बैठा हो, सूर्य शुक्र देखते हो, तो विपत्ति नामक योग होता है। इसलिए मनुष्य को गर्भ में बच्चे नहीं मानना चाहिए, अन्यथा पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। इस योग की वजह से, विपत्ति योग की वजह से, यदि पुत्र उत्पन्न भी हो गया तो वह शत्रु पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए गर्भ में बच्चे को नहीं मानना चाहिए। जय माता दी। यदि किसी मनुष्य को अपनी पत्रिका में पिछले जन्म के पाप कर्म के बारे में पूछना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फोन नहीं लगाएं, व्हाट्सएप में अपना नाम, पता, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य दे दें। 7649862712